सो टूडे वी आर गोइंग टू कम्प्लीट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द सर्विंग फ्रॉम योर गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो आज जो हम लोग टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं द टॉपिक्स आर बेसिक्स ऑफ जी पी एस जी आई एस एंड रिमोट सेंसिंग इन जनरल इनके बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझेंगे क्या होता है जी पी एस क्या होता है जी आई एस और क्या होता है रिमोट सेंसिंग और फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं फोर और फाइव क्वेश्चन रिलेटेड टू द फोटोग्रामेट्री टॉपिक दैट वी हैव कवर्ड ए सो दिस विल बी डिस्कशन फॉर द टूडे क्लास ये आज की क्लास का डिस्कशन होने वाला आपका सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फर दो क्लास और वॉचिंग दिस क्लास फर्स्ट टाइम सो आई एम सचान आई हैव कंप्लीटेड माई एम ट in Structures qualified gate multiple time with good rank, and my best gate rank is AIR 30. सब्जेक्ट जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं आई विल डील विद द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग सर्वेइंग ये दो सब्जेक्ट मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड ये क्रैश कोर्स आपका आज एंड होने वाला है टुडे वी विल कंप्लीट दिस कोर्स एंड आज के जो टॉपिक्स हैं जीपीएस की बातचीत होगी जैसा मैंने भी बताया जी और रिमोट सेंसिंग जी पी और रिमोट सेंसिंग ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन फॉर द जीपीएस तो कैसे सवाल आते हैं अपार्ट फ्रॉम द गेट ई हो गया आपका स्टेट एग्जाम e हो गया जेई एग्जाम e हो गया यहां से भी कभी कभी आपको मॉडर्न सर्विंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं देखो इन जनरल अगर मैं बोलूं रियल रियलिटी अगर मैं बताऊं तो बहुत ही ज्यादा वास्ट टॉपिक है ऑल दीज आर द मॉडर्न सर्विंग टेक्निक्स बहुत डिटेलिंग है इसमें और अगर आपको पता हो बींग सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट अब आपके पास एक पेपर गेट में और अपियर करने का ऑप्शन है पता है ये बात सभी को कि नहीं सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ अब नाउ यू कैन प्रिपेयर नाउ यू कैन अपियर फॉर टू पेपर्स तो दो पेपर्स में आप अपियर कर सकते हैं इन योर गेट एग्जाम आई होप ये बात सभी को पता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करू सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के पास और कौन कौन से ऑप्शन है तो एक तो प्राइमरी पेपर आपका हो गया सिविल इंजीनियरिंग ठीक है इसके साथ साथ आप गेट के पेपर में और अपियर कर सकते हैं वो है आपका जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग लास्ट लास्ट टू ईयर रिसेंट पेपर है जो आपके गेट में ऐड हुआ दैट इज द जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग वहां पर आपका जो सिलेबस है दैट ओरिजिनली डील्स विद द मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक्स तो जो टॉपिक्स आप यहां पर बेसिक में पढ़ रहे हैं वहां पर बीस बीस नंबर का पोर्सन आता है ट्वेंटी मार्क्स फ्रॉम जीपीएस ट्वेंटी मार्क्स फ्रॉम जी आई एस ट्वेंटी और ट्वेंटी मार्क्स जो लास्ट के आपके रहते हैं वो आपके बेसिक सर्वेइंग से रिलेटेड है जो हम लोगों ने पढ़ी है तो इस पेपर के लिए आपको काफी कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा एट्टी परसेंट सिलेबस इसका एडवांस मॉडर्न टेक्निक से डील करता है मॉडर्न सर्वेइंग टेक्निक से डील करता है ठीक है एक ऑप्शन आपके पास ये है एक आप सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आर्किटेक्चर का पेपर दे सकते हैं यहाँ पर भी जो लोग ट्रांसपोर्टेशन या प्लानिंग में इंटरेस्टेड हैं अर्बन प्लानिंग ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग तो दे कैन ज्वाइन द कोर्सेज फ्रॉम द आर्किटेक्चर गेट स्कोर कार्ड ऑल्सो सो बहुत से आई में आपके मल्टी ब्रांचेस जो हैं जैसे अगर आप जियोमेटिक्स से आप यू कैन गो फॉर द जियो इन्फॉर्मेटिक्स यू कैन गो फॉर द एम इन द फील्ड ऑफ जियो इंफॉर्मेटिक्स तो बोथ द स्कोर कार्ड विल बी वैलिड दोनों के बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं तो ये सारी कुछ बेसिक जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कंपेरेटिवली अगर बात करें तो अभी कॉम्पिटिशन यहां पर कम आपको फेस करना पड़ेगा एस इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से अपियर कर सकते हैं तो जिनका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है इन्वायरमेंटल की फील्ड में हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो दे कैन अपियर विद द इनवाटल इंजीनियरिंग पेपर एक्ससी तो दीज आर सम जनरल मैंने जनरल आपको बताए जिनसे आप सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ एक पेपर आप और अपियर कर सकते हैं ठीक है तो अब इनमें अपॉर्चुनिटीज क्या है इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करके और भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग कभी सेपरेटली किसी एक अलग सेशन में कि जियोमेटिक्स का पेपर के बाद क्या अपॉर्चुनिटीज है आर्किटेक्चर में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते हुए अच्छी रैंक लाते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस की बात करें तो वहाँ से आपको क्या मिलने वाला है तो दैट वी विल डिस्कस सेपरेटली बट एज ऑफ नाउ मेन मुद्दा मेरा बताने का ये था कि ये जितने भी आपके मॉडर्न सर्वेइंग हैं वो सब आप डिटेल में पढ़ते हो आपके सिलेबस का पार्ट है दैट इज ऑफ जियोमेटिक्स इंजीनियरिंग दैट इज द रिसेंटली एडिड पेपर इन द गेट ठीक है तो अभी तो हम यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के सर्वेइंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें

इसकी पोजीशन बदल जाएगी इसके मेजरमेंट बदल जाएंगे सारा खेल तो रेफरेंस का ही है तो अब ग्लोबली डिफाइन करने के लिए आपको नहीं लगता है कि बेसिक सर्वाइंग की हेल्प से ये काम कर पाना पॉसिबल नहीं होगा दैट्स वाई सम एडवांस इंस्ट्रूमेंट एडवांस टेक्नोलॉजीज आर रिक्वायर्ड उनमें से एक टेक्नोलॉजी है जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम इसके अगर सेगमेंट की बात करें जहां से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं सो so, सेगमेंट जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है एक है आपका स्पेस सेगमेंट दूसरा आपका कंट्रोल सेगमेंट और तीसरा है आपका यूजर सेगमेंट दीज आर द्री सेगमेंट ऑफ द जी पी एस स्पेस सेगमेंट कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट अब होता क्या है पूरी अर्थ को कवर करने के लिए पूरी अर्थ को कवर जैसे आप जी एन एस जी एन एस एस की बात कर रहे हैं ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूएस का है ये तो हर कंट्री ने अपने अपने सैटेलाइट सिस्टम डेवलप करने की कोशिश की है कुछ लोग डेवलप कर पाए कुछ लोग कर रहे हैं इंडियन नेविगेशन सिस्टम की बात करें सैटेलाइट सिस्टम की बात करें दैट इज द नाविक यस सो ये जो रेफरेंस यहाँ पर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यूएस ने डेवलप किया था ओरिजिनली ये डेवलप किया था अपने मिलिट्री के लिए बाद में फिर इसको सिविल जो हम लोग हैं आम लोग हैं उनके यूज के लिए भी इसको एक्सेस प्रोवाइड किया गया अब इसकी कहानी क्या है कि पूरे अर्थ को कवर करने के लिए हमने कुछ सैटेलाइट्स को भेज रखा है अब वो सैटेलाइट्स क्या कर रहे हैं लगातार मूव कर रहे हैं और हर जगह से इस एरिया अर्थ को कवर कर रहे हैं। अगर जीएनएस जी एन एस एस के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो बेटा टोटल यहां पर ट्वेंटी फोर हैं। टोटल यहां पर ट्वेंटी फोर सेटेलाइट और सिक्स ऑर्बिट है तो टोटल सिक्स ऑर्बिट बचपन में देखते थे ना शक्तिमान देखा है कि नहीं देखा है अद्भुत अदम साहस की देखा है कि नहीं देखा है तो ऐसा कुछ बना रहता था हा? तो दीज आर ऑर्बिट्स तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट्स आर सिक्स और हर ऑर्बिट में चार चार सैटेलाइट हैं जो कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं अर्थ के चारों तरफ तो घूम रहे हैं और डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं सो दिस इज द स्पेस सेगमेंट आपका स्पेस सेगमेंट है जहां पर आपने सेटेलाइट को काम पे लगा रखा है इंपॉर्टेंट डेटा जो है आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ ऑफ व्यू से टोटल नंबर सैटेलाइट्स और ऑर्बिट ठीक है इसके बाद ये सैटेलाइट्स जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं दे दिस इंफॉर्मेशन दे आर सेंडिंग टू द ग्राउंड स्टेशन स्पेस सेगमेंट से जो भी जानकारी आपको मिल रही है इन सैटेलाइट से जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है दिज सेटेलाइट आर ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन टू द ग्राउंड स्टेशन तो सारी की सारी जानकारी मिल रही है आपको ये ग्राउंड स्टेशन पे वहीं पे बैठ के आप इस पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं प्रोसेस कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं सर हम तो रोज़ जीपीएस यूज़ करते हैं हमारे तो मोबाइल में भी जीपीएस है बेटा आपके पास जो जीपीएस है वो केवल आप जी का केवल एक सेगमेंट है और आप हैं यूज़र सेगमेंट तो हम सभी के पास जो जी हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली वो होता है रिसीवर बेसिकली वो होता है रिसीवर अब वो क्या कर रहा है इन सभी चौबीस सेटेलाइट में से अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर हूं फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर हूं तो ऐसा जरूरी थोड़ा है कि मेरा कनेक्शन मेरे रिसीवर का कनेक्शन सभी ट्वेंटी फोर सेटेलाइट से हो ऐसा कंपलसरी है क्या बोलो तो जब हम कभी भी जीपीएस को यूज करते तो बेसिकली वी आर डीलिंग विद द यूजर सेगमेंट और हम लोग क्या यूजर हैं और हम रिसीवर को यूज कर रहे हैं अब रिसीवर के अंदर की कहानी क्या है रिसीवर इन इन सैटेलाइट में से इसको कम से कम चार सैटेलाइट चाहिए मिनिमम फोर सैटेलाइट से आपके रिसीवर का कांटेक्ट होना चाहिए मिनिमम फोर सैटेलाइट से अगर आप अपनी पॉइंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं पोजीशन को डिफाइन करना चाह रहे हैं ग्लोबली तो आपके पास कम से कम इन चार सैटेलाइट्स का आपके रिसीवर से कनेक्शन होना चाहिए अगर आपको चार सैटेलाइट से कनेक्टिविटी मिल रही है तो आप किसी भी पॉइंट की पोजिशन को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं अब आप इसको याद करने के लिए आप ये भी बस समझ सकते हैं कि जो जीपीएस होता है वो कौन कौन से चार चीजों को मेजर करके आपकी पोजिशन को डिफाइन करता है तो फॉर एग्जांपल तीन तो कोऑर्डिनेट हो गए एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट और जो चौथी क्वान्टिटी है वो है टाइम तो इन चार क्वांटिटीज के बेसिस पे इन चार क्वांटिटीज के बेसिस पे आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं सर क्या हम तीन पॉइंट की तीन सैटेलाइट की हेल्प से भी किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं हाँ बिल्कुल कर सकते हो एक्यूरेटली नहीं कर सकते तीन पॉइंट की हेल्प से भी आप किसी पॉइंट की पोजिशन को डिफाइन कर सकते हैं बट इफ यू वॉन्ट टू डिफाइन द पोजिशन एक्यूरेटली और प्रिसाइजली

सिक्स ऑर्बिट्स हैं हर ऑर्बिट में चार सैटेलाइट हैं यह बात समझ में आ गई सेगमेंट क्या है यह समझ में आ गया कौन कौन से सेगमेंट हैं तो सैटेलाइट्स आर द पार्ट ऑफ द स्पेस सेगमेंट हम सभी रिसीवर जो यूज कर रहे हैं दिस इज दार्ट ऑफ द यूजर सेगमेंट कंट्रोल सेगमेंट जहां पर इस पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जा रहा है और कलेक्ट किया जा रहा है तो ये तीन चार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं बेसिक अगर बात करें कि जीपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है जी एन एस एस की स्पेसिफिकेशन क्या है नंबर ऑफ सैटेलाइट्स कितने हैं नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कितनी है किसी पॉइंट की पोजीशन को एक्यूरेटली डिफाइन करने के लिए कितने सेटेलाइट से कनेक्टिविटी जरूरी है और सेगमेंट्स क्या हैं जी के सेगमेंट्स क्या हैं तो जी का यूज क्या क्या है देखो भाई टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर मतलब रिसीवर की पोजिशन ऑन द ग्लोब और ऑन द अर्थ फाइंड द लोकेशन ऑफ स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जीपीएस और मूविंग ऑब्जेक्ट की पोजिशन को भी आप डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द जी पी एस रिलेशन विद द वेल डिफाइंड कोऑर्डिनेट सिस्टम पॉइंट पोजिशनिंग रिलेटिव पोजिशनिंग इसके बाद के स्टेटिक पोजिशनिंग काइनामेटिक पोजिशनिंग डिजिटल इसके लिए क्या है डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड ऑन सेटेलाइट रेंजिंग सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे उस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके प्रोसेस करके आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करते हैं बेसिक कंसेप्ट इसका क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच पे काम करता है डिस्टेंस के साथ साथ और क्या मेजर करता है ये? डिस्टेंस के साथ साथ मेजर करने वाला टाइम टू डिफाइन द पोजिशन ऑफ द पॉइंट ये था भैया बेसिक ऑफ जीपीएस क्लियर है इतना जितना मैंने आपको बताया है जितने भी क्वेश्चन अब तक आपके एग्जाम में आए हुए हैं जीपीएस से रिलेटेड वो आप कर पाएंगे और बेसिक लेवल का कोई भी क्वेश्चन आएगा पहली बात तो गेट में सिलेबस का पार्ट नहीं है इसको हटा दिया गया है गेट में इसको हटा दिया गया है बट कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक दो क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो इसलिए इसको बता दिया क्लियर है पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन टिल नाउ यस ऑर नो द पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन प्लीज कन्फर्म इन द चैट बॉक्स प्लीज कन्फर्म इन द चैट बॉक्स बिल्कुल बेटा सहबाज यू आर एब्सोल्यूटली राइट चलो अगला जो इंपॉर्टेंट गेम है अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ना है दैट इज द जी आई एस अप्ली्लिकेशन कहाँ है जी का जो जो समझ में आता सब है सब जगह अप्लीकेशन है सर्वेइंग में अप्लीकेशन है जियोलॉजी में अप्लीकेशन है रिमोट सेंसिंग और जी आई एस अब इसके बारे में पढ़ेंगे वहाँ पर अप्लीकेशन है नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करते हैं नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं और मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ करते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल कवर उसका भी बेसिक समझ लेते हैं और इस टॉपिक का नाम है बेटा जी फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कोई मेथड नहीं है एक पूरा डेटा से रिलेटेड मैनेजमेंट सिस्टम की आप बात कर रहे हैं पहले तो समझ लीजिए बहुत लोग को लगता है कि जी एक कोई इंस्ट्रूमेंट है नहीं भैया जी किसी इंस्ट्रूमेंट की बात नहीं है रे इन जनरल इट इज द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द डेटा बट ध्यान से सुनो ये सब नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा सब लिखा हुआ है जब हम सिविल इंजीनियरिंग कर रहे थे तब भी लिखा हुआ था जब कर चुके तब भी लिखा रहेगा यस और नो तो ये सब डेटा सब आपको मिल जाएगा यहाँ पर पहुँचाते जो काम की चीजें हैं ये पी आपको ऐप पर मिल जाएगा तो सर वॉट डू यू मीन बाय द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन अरे जियोग्राफिकल डेटा की तो हम लोगों ने बात करी है ना जियोग्राफिकल डेटा टोपोग्राफिकल डेटा पूरी जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए जो सिस्टम है उसको बोलते हैं जो सिस्टम आपने डेवलप किया उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम अब यहां पर हम डेटा के साथ क्या क्या करने वाले हैं यहां पर डेटा के साथ हम क्या क्या करने वाले हैं तो ये वाली डेफिनेशन एक बार पढ़ो जी आई एस कैन बी डिफाइंड एज जी आई एस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टम विच इन्वॉल्व्स कलेक्शन ऑफ़ द डेटा कैप्चरिंग ऑफ द डेटा स्टोरिंग ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा मैनुपलेटिंग ऑफ द डेटा एनालाइजिंग ऑफ द डेटा मैनेजिंग ऑफ द डेटा रिट्राइविंग एंड डिस्प्लेइंग द डेटा इन्फॉर्मेशन विच इज इस रिफर्ड टू द रियल वर्ल्ड और अर्थ रियल अर्थ प्रॉब्लम रियल अर्थ दैट इज द जियोग्राफिकल रेफरेंस तो अर्थ के जितने भी आपके मैन मेड और नेचुरल जो भी फीचर्स हैं उन सभी इंफॉर्मेशन को उस सभी डेटा का जो मैनेजमेंट है दैट कम्स अंडर द पार्ट ऑफ जी आई एस सर सही बताएं सर सही बताएं कुछ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं एक स्टोरी सुनो ये स्टोरी ध्यान से सुन लो पूरा गेम खत्म हो जाएगा जी का ये दो मिनट की पांच मिनट की जो स्टोरी होगी मैक्सिमम ये पूरा एक्सप्लेन कर देगी जी को तो सोशल मीडिया यूज करते हो सोशल मीडिया यूज करते हो कोई भी सोशल मीडिया वैसे तुम लोग करते नहीं होगा तुम लोग टाइम ही कहा है गेट की तैयारी कर रहे हो इतना पढ़ाई कर रहा <laughs> शायद तुम लोग के पास टाइम नहीं होगा पता नहीं है पता नहीं आप हो कि नहीं हो सोशल मीडिया पे मुझे लग नहीं रहा कि तुम लोग हो गए अरे फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर ये सब होते हैं ना और भी कुछ होता होंगे हमें हमें ज़्यादा नहीं पता है करते हो कि नहीं करते हुँ? बस अच्छा एक बार ये कंफर्म कर दो तो फिर आगे बातचीत करें अगर करते हो तो फिर इसका एग्जाम्पल लेते हैं नहीं करते हो तो फिर कोई और एग्जाम्पल लें एग्जाम्पल शुड भी रिलेटेबल एग्जाम्पल तो ऐसा हो कि रिलेट तो कर पाए करते हो फिर कहते हो सर टाइम नहीं मैनेज हो रहा है बहुत बढ़िया चलो तो उसमें एक ऑप्शन होता है आज तक हमें इसका फुल फॉर्म नहीं समझ में आया तो मैं पता हो तो बता देना एक होता है डीपी क्या होता है ये तुम्हारी जो प्रोफाइल होती है उसका एक पार्ट होता है डीपीबी भी होता है कुछ हमें नहीं पता है अरे हम तो बस ये जानते हैं प्रोफाइल पिक्चर थोड़ा स्मार्ट लैंग्वेज में बोले बात, आम बातचीत की भाषा में बोले तो डीपी भी कहते हैं शायद चलो जो भी है समझ गए हो अरे इसको डीपी हटाओ तो ये बैठे हो तुम ये बैठे हो तुम, तुम। लिओ अब खुश हो बैठे का है खड़े हो ठीक है तुम्हारा मन करा पेपर साल भर से टाइम नहीं मिला था साल भर से टाइम नहीं मिला था गेट की तैयारी कर रहे थे दस ग्यारह तारीख को गेट का पेपर हो जाएगा फरवरी में फिर थोड़ा रिलैक्स मोड में आ जाओगे दो चार पांच दिन तो बनता भी है तुमने कहा चलो सोशल मीडिया में देखते क्या चल रहा है दुनिया में वैसे तो तुम देख नहीं पाते हो तो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है गेट के बाद तुमने देखा तुमने देखा है बहुत पुरानी फ़ोटो लगी हुई है हँ डेढ़ दो साल से फ़ोटो नहीं बदल पाए तैयारी के चक्कर में चलो कोई बात नहीं अब एग्ज़ाम हो गया बढ़िया रैंक वैंक भी आ रही है अच्छे नंबर आ रहे हैं चलो फ़ोटो चेंज करते हैं ठीक है तुम्हारा एकदम से मन कर गया कि आज जब फोटो लगाएंगे ना आज बचपन वाली कोई फ़ोटो लगाएंगे जब मैं छोटा बच्चा था वो वाली फ़ोटो लगाएंगे तुमने कहा ठीक है अब तुम हो गए बड़े अब तो तुम हो गए बड़े अठारह तो बीस साल एज है तुम्हारी इस समय इक्कीस साल जो भी है तुम्हें फोटो लगानी जब तुम थे दो साल के या चार साल के या पांच साल के क्या करोगे तुम ही बताओ तुम ही बताओ क्या करोगे तुम्हें अपनी प्रोफाइल पिक बदलनी है और तुम्हारा मन करके कोई बचपन की फोटो लगाएंगे कैसे क्या करा जाए बताओ तो सबसे पहला काम तुम ये करोगे तुम अपने बचपन की फोटो देखोगे ढूंढोगे यस yes और नो no? बचपन की बचपन की फोटो ढूंढो तो क्या अपलोड कर दोगे सीधे अपलोड सीधे अपलोड अगर कर देते ना तो दुनिया में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती सीधे ही तो नहीं अपलोड होते आज दिखाते तुम्हें कैसे अपलोड होती है अभी देखो है तो पहले तुम फोटो ढूंढोगे अब फ़ोटो ढूंढने के तुम्हारे पास क्या क्या तरीके होंगे देखोगे आप मोबाइल वोबाइल में फ़ोटो है कि नहीं है लैपटॉप पे फ़ोटो है कि नहीं है नहीं मिली तो फिर पुराने घर में एल्बम एल्बम होते हैं हा? चाचा की शादी मामा की शादी जिसमें तुम कोट पहन के घूम रहे थे सो रहे थे हैं ऐसा होता है कि नहीं होता कोई फ़ोटो ढूंढोगे तुम्हें मिल गई दो चार फोटो तुम्हें अपने बचपन की दो चार फ़ोटो मिल गई किसी में तुम ऐसे टेढ़े हो, किसी में तुम सो रहे हो किसी में कुछ कर रहे हो एक फोटो थोड़ी डिसेंट से मिल गई क्या करोगे तुम इनका तुमने बाकी फोटो को रिजेक्ट कर दिया बोले नहीं ये बेकार है मजा नहीं आ रहा इसमें ये वाली फोटो अपलोड करेंगे ये वाली फोटो अपलोड करेंगे ये जो फोटो है बेटा वो हार्ड कॉपी है ये फोटो जो है वो हार्ड कॉपी है इसको अपलोड कैसे कर दें ये फोटो जो है वो हार्ड कॉपी फॉर्मेट में आपके पास अवेलेबल है इसको अपलोड कैसे कर दें तुमने सर कोई दिक्कत की बात नहीं है अरे कुछ नहीं होगा तो स्कैन कर लेंगे और स्कैन नहीं कर पाएंगे तो इसकी फोटो जो फोटो ले लेंगे फाइनली सर इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर लेते हैं फाइनली सर इसको डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं यही कहना चाह रहे हो जो भी तरीके तुम्हें समझ में आए कर लेना तुम इसको स्कैन कर लो तुम इस फोटो की मोबाइल से फोटो खींच लो कुछ ना कुछ करके तुम इसको डिजिटल फॉर्मेट में ले आओगे बोलो ये कन्वर्ट अनवर्ट करने के लिए तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें जरूरत पड़ेगी बेटा हार्डवेयर की तुम्हें जरूरत पड़ेगी हार्डवेयर की और सॉफ्टवेयर की अरे मोबाइल जो यूज कर रहे हो जिससे इस हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट कर रहे हो तो भैया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो ना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो ना बोलो तो डेटा कलेक्शन हमने कर लिया चलो पहले अब यही वाला एग्जाम्पल करते हैं इसको कन्वर्ट कर लिया इसको तुरंत जैसे ही फोटो खींची जैसे ही ये डिजिटल पे आया क्या इसको अपलोड कर दोगे दिल पे हाथ रख के बोलना झूठ नहीं बोलने की हो रही है तो सच बोलना है जैसे ही फोटो क्लिक करी ये डिजिटल फॉर्म में आ गया एज इट इज इस फोटो को अपलोड कर दोगे बोलो हाँ या ना तो जवाब आएगा ना फिर सर इसको ले जाएंगे बढ़िया एक दो आते हैं फिल्टर विल्टर लगाएंगे सर इसमें इसी क्या बात कर रहे हैं इसमें चलेगी अब एडिटिंग पाँच सात मिनट हाँ ब्यूटी प्लस सब तो समझ रहे हैं समझ रहे हो तुम्हें क्या लगता है सर को कुछ नहीं पता है अब इसमें होगी एडिटिंग अब इसमें होगी एडिटिंग हाँ? अब इसमें करी जाएगी बेहतरीन लेवल की एडिटिंग क्रॉपिंग वॉपिंग सब कलर वलर चेंज किए जाएंगे हाँ फिर इसके लिए तुम्हें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए होगा चलो कर लो इसका फिर फाइनल जो आउटपुट मिला इसका जो फाइनल आउटपुट मिला अब ये तुम्हें लग रहा है कि इसको अपलोड कर देना चाहिए इसको अपलोड कर देना चाहिए हाँ फिर कैप्शन भी हाँ कॉपी पेस्ट सब समझ रहे हैं हाँ? फिर एकदम खतरनाक कैप्शन भी के लाएंगे क्रांतिकारी बिना कैप्शन के फोटो कैसे चली जाएगी हम्म hmm? कि तुम्हारा तो टाइम आया था हमारा दौर आएगा हाँ ये भी तो लिखना है तुम्हारा तो टाइम आया था हमारा दौर आएगा क्यों तो बढ़िया कैप्शन धूड़ा और ये फाइनल फोटो लेके इसको मारा यहाँ पर अपलोड इसको क्या किया इसको अरे हटो भाई इसको क्या कर दिया इस वाली फोटो को लाए और ये जब मैं नन्ना बच्चा था फोटो को अपलोड कर दिया गेम हो गया खत्म यही एक तरीका है जन लगभग लगभग इन जनरल जो आप फॉलो करते हैं एक मैंने बहुत ऐसा कॉमन सा एग्जाम्पल लिया है शायद हम सभी लोग ये करते रहते तो रिलेट करना आसान होगा बस ये इसका ऑब्जेक्टिव था दिस वॉज द तो ऑब्जेक्टिव ऑफ तो द दिस एग्जाम्पल ये सभी हम लोग रियल लाइफ में करते हैं तो इसको हम रिलेट भी कर पाएंगे इसके बाद भी आगे भी कहानी होती है हर पांच पांच में देखोगे कितने लाइक आ गए कितने कमेंट आ गए खैर वहां तक नहीं जाते हैं यहीं पर रुक जाते हैं भैया यही है जी आई एस यही है जी आई एस अब जरा समझो इसको टेक्निकली यहां पर तुमने क्या किया यहां पर तुमने क्या किया डेटा का कलेक्शन किया डेटा का कलेक्शन किया फिर इस डेटा को विद द हेल्प ऑफ द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टूल्स एंड टेक्निक्स इसको कन्वर्ट किया कन्वर्ट करने के बाद ये मैन्यूपलेटिंग ही तो कर रहे थे तुम एडिटिंग कर रहे थे प्रोसेस कर रहे थे फाइनल आउटपुट मिल गया जो अपने यूजर को आपने प्रोवाइड कर दिया अब ये फोटो वाले एग्जाम्पल को हटा के यहां पर मैं ले लूँ जियोग्राफिकल डेटा जितना भी जियोग्राफिकल डेटा है कर तो वही रहे हैं पढ़ो अब क्या है जी आई एस जी आई एस कैन बी डिफाइंड एज आओ बोला अ सिस्टम विच इन्वॉल्व द कलेक्शन ऑफ द डेटा कैप्चरिंग ऑफ द डेटा स्टोरिंग ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा मैनुपुलेटिंग ऑफ द डेटा एनालाइजिंग मैनेजिंग रिट्राइविंग डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन बोलो हाँ यही तो किए हो डिस्प्लेइंग द इंफॉर्मेशन यहां पर तुम्हारी फोटोग्राफ की बात हो रही थी यहां पर तुम्हारी बात हो रही थी ये पूरा सिस्टम मैं समझ सकता हूं इन द फॉर्म ऑफ जी अगर ये इंफॉर्मेशन हो जाए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन अगर ये इंफॉर्मेशन हो जाए जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन जीवन में कुछ भी भूल जाओ जी नहीं भूलोगे ये वादा है तुमसे बस ये एग्जाम्पल याद रखना ये एग्जाम्पल याद रखना समझ रहे हो अब आओ टेक्निकली खेलते हैं अब और थोड़ा टेक्निकली खेलते हैं तो जी के कंपोनेंट क्या क्या हो गए इस पूरे जी के क्या क्या कंपोनेंट हैं? किस मेथड से कौन से लोगों के लिए डेटा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खेलते रहो अब यार देखो मुझे कुछ बताने लायक बचा नहीं है जो मुझे बताना था जो मेरा रोल था वो ये था वो मैंने तुम्हें बता दिया है अब सब ऑटो पायलट मोड में चल रहा है अब सब तुम्हें खुद से समझ में आएगा अब सब तुम खुद से समझ जाओगे तो जी के कंपोनेंट क्या है सबसे इंपॉर्टेंट तो डेटा है फिर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी चाहिए मैथड चाहिए और उसके बाद क्या है लोग होने चाहिए सब कर कौन रहा था ये सब अपने आप थोड़ा हो रहा था ये सब तुम्हें करना पड़ रहा था तो ऑल दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द एस हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डेटा मेथड और पीपल बोलो हाँ बस हाँ हाँ लिखते रहो चैट बॉक्स में अब देखो डेटा जो था आपका जियोग्राफिकल डेटा उसको कैसे कलेक्ट कर सकते हो अरे भैया जियोग्राफिकल डेटा जरूरी है क्या कि एल्बम से ही तुम्हें अपनी फोटो मिले बचपन की मान लो तुम्हारे घर में कोई आर्टिस्ट था कोई कलाकार था उसने तुम्हारी हैंड हाथ से खुद से एक पिक्चर बनाई हो बचपन की नहीं हो सकता है क्या वो फोटो मिल जाती तुम्हें तो वी कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेस वी कैन कलेक्ट द डेटा फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज और नो बोलो भाई तो कहां कहां से जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का डेटा हमें मिल सकता है मैप से डेटा ले लो एरियल फोटो से डेटा ले लो पढ़ चुके हैं सैटेलाइट इमेज से डेटा ले लो फील्ड ऑब्जर्वेशन जाके कर लो अदर सोर्सेस कहीं से भी डेटा को कलेक्ट करो फाइनली उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करो और ये बन के तैयार हो गया तुम्हारा जी आई एस डेटाबेस ये बन के तैयार हो गया तुम्हारा जी आई एस डेटाबेस ये देखो ये बन के तैयार हो गया तुम्हारा जी आई एस डेटाबेस जो जो भी सोर्सेस थे उनसे तुमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया नाउ दिस इज योर जी आई एस डेटाबेस बस खत्म अब एक बार डेटाबेस बन गया है तो अब आप इसको क्या करिए एनालाइज करिए प्रोसेस करिए मैनुपलेट करिए रिट्राइव करिए डिस्प्ले करिए ये सब आएगा इट कम्स अंडर द इट कम्स अंडर द जी आई एस क्या होता है जी आई एस इसका थोड़ा बहुत अगर फील आ गया हो तो चैट बॉक्स में बता दो क्या होता है जी आई एस ये अगर तुम समझ गए हो आसान आसान भाषा में तो मुझे बता दो तो फिर आगे बातचीत करें तो फिर आगे बातचीत कर लीजिए

for that we are using this software that is the arc gis so भैया मेन मुद्दे की बात ये है कि जो डेटा है वो किस-किस फॉर्मेट में आएगा तो डेटा यहाँ पर दो फॉर्मेट में है जो तो आप कलेक्ट करेंगे एक है स्पेशियल डेटा और एक है नॉन स्पेशियल डेटा यहां से सवाल बन सकता है पहले बात करते हैं सर ये स्पेशियल डेटा क्या होता है ये ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फीचर इन अदर वर्ड्स स्पेशल डेटा इज व्हाट वी एक्चुअली सी इन द फॉर्म ऑफ मैप्स किसी भी ग्राउंड में कहीं पे भी जो जो चीजें आपको दिख रही हैं उन्हीं को उन्हीं की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके अगर आपने रिप्रेजेंट कर दिया मैप में तो ऐसे डेटा को हम लोग बोलने वाले हैं स्पेशल डेटिया स्पेशल डेटा फॉर्मेट ऐसे डेटा को हम लोग बोलते हैं स्पेशियल डेटा वट वी विल सी वही इंफॉर्मेशन जैसे मान लो बिल्डिंग्स बनी हुई है पेड़ लगे हुए पार्क बने हुए नदियां हैं झरने हैं तालाब हैं सब कुछ है उसी का रिप्रेजेंटेशन अगर आपने मैप में कर दिया है तो दिस इज द स्पेशियल डेटा रियल वर्ड रियल वर्ड फीचर कंटेनिंग द रियल वर्ड फीचर अब ये इसका रिप्रेजेंटेशन भी आप दो तरीके से कर सकते हैं एक होता है वेक्टर डेटा और एक होता है रेस्टर डेटा एक होता है वेक्टर डेटा और एक होता है रेजिस्टर डेटा स्पेशल डेटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टू फॉर्मेट्स वेक्टर डेटा एंड रेस्टर डेटा अब ये वेक्टर डेटा में इसी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट हम पॉइंट लाइन और पॉलीगन का यूज करते हैं इन द केस ऑफ वेक्टर वी आर रिप्रेजेंटिंग दिस रियल वर्ल्ड इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट लाइन एंड पॉलीगन देखो ये आपका रियल वर्ल्ड सिचुएशन है यहां पर नहर नदी भी है पहाड़ भी है बिल्डिंग्स भी हैं, पेड़ भी है हरियाली भी है सब कुछ है अब इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉइंट का यूज कर सकते हैं लाइन का यूज कर सकते हैं और पॉलिगन्स का यूज कर सकते हैं एक फॉर्मेट आपको ये भी दिख रहा है बेटा दिस इज द फॉर्मेट इन द रजिस्टर फॉर्मेट यहां पर हम डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए पिक्सल्स का यूज करते हैं तो आपकी एक फोटोग्राफ होती है उसमें मल्टीपल पिक्सल्स होते हैं तो जैसे देखो जितना भी ये ग्रीनरी वाला पार्ट है इस ग्रीनरी वाले पार्ट को वी हैव रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स इन दिस वे वी हैव रिप्रेजेंटेड विद द द हेल्प ऑफ पिक्सल्स यहां पर पॉइंट लाइन और पॉलीगन यूज नहीं कर रहे हैं वेक्टर फॉर्मेट में हम पॉइंट लाइन और पॉलीगन की हेल्प से रियल डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं रजिस्टर फॉर्मेट में रियल वर्ल्ड डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ द पिक्सल्स थ द हेल्प ऑफ द पिक्सल्स तो अभी तक मैंने जो आपको बताया पॉइंट लाइन और पॉलीगन ठीक है इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द इन दिस वे जैसे पोलिटिकल बाउंड्रीज क्या है लिंग्विस्टिक रीजन क्या है स्ट्रीट्स क्या है ट्रेड रूट्स क्या है इनको रिप्रेजेंट करने के लिए आपने पॉइंट लाइन और पॉलिगन का यूज किया है तो ये स्पेशियल डेटा का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है ये स्पेशियल डेटा का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है क्लियर हो गया फिर से रिपीट कर देता हूं दो तरीके की डेटा की बात कर रहे हैं एक है वेक्टर, एक है स्पेशल डेटा दूसरा है नॉन स्पेशल डेटा डेटा वो डेटा है जो, <coughs> जो रियल डेटा है, रियल वर्ल्ड फीचर है जो रियल वर्ल्ड फीचर है उसको आपने बोला स्पेशियल डेटा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके एक है वेक्टर फॉर्मेट और एक है रेस्टर फॉर्मेट फॉर्मेट में वी आर रिप्रेजेंटिंग द रियल वर्ड डेटा हेल्प ऑफ लाइन एंड पॉलीगन और इन द केस ऑफ रेजिटर छोटे पिक्सल्स अभी ये तो इतनी इमेज क्लियर नहीं है कि आपको इसमें पिक्सल्स दिखे सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल पिक्सल्स जिसकी हेल्प से हमने रियल वर्ल्ड फीचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है क्लियर बेटा स्पेशियल डेटा क्या होता है जी का वेक्टर फॉर्मेट क्या होता है और रेस्टर फॉर्मेट क्या होता है यहां तक की सभी बातें सभी को अगर क्लियर हैं तो चैट बॉक्स में कंफर्म करिए फिर हम लोग बातचीत कर लेते हैं नॉन स्पेशियल डेटा की फिर हम लोग बातचीत कर लेते हैं नॉन स्पेशियल डेटा की अब मान लो ये आपको एक टाउन दिख रहा है मान लो तो टाउन तो जैसा बिल्डिंग है जो भी है ग्रीनरी है पेड़ है पौधे सब वो तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो गया बट इसके साथ साथ कुछ और एसोसिएटेड डेटा भी तो होगा कुछ और एसोसिएटेड डेटा भी तो होगा सर कैसे एसोसिएटेड डेटा मतलब आपका क्या है जैसे इस टाउन की अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल तो बेटा यहाँ की पॉपुलेशन क्या है यहाँ की टोटल पॉपुलेशन क्या है पर मेल पॉपुलेशन क्या है फीमेल पॉपुलेशन क्या है लाइक दिस यहां पर कितने ऐसे लोग हैं जिनकी एज साठ साल से ज्यादा है। ये सब भी डेटा तो इसी जगह से एसोसिएटेड है ना भाई ये सभी डेटा जो मैंने बोला ये इसी पर्टिकुलर टाउन से जगह से तो एसोसिएटेड है तो दिस इज द स्पेशियल डेटा इसको आप बोलते बेटा नॉन स्पेशियल डेटा इसको आप बोलते नॉन स्पेशियल डेटा देखिए जरा जैसे पॉपुलेशन क्या है मेल फीमेल पॉपुलेशन क्या है सिक्सटी प्लस पॉपुलेशन क्या एक्सेट्रा एग्जाम्पल दिया तो रियल फीचर्स जो देख रहे हैं उनका रिप्रेजेंटेशन अगर कर रहे हैं तो दैट इज द स्पेशियल डेटा और उस स्पेशियल डेटा से रिलेटेड एसोसिएटेड जो डेटा है उसको डिफाइन करने के लिए उस रियल वर्ल्ड फीचर को डिफाइन करने के लिए जो एडिशनल डेटा रिक्वायर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पेशियल डेटा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पेशियल डेटा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्पेशियल डेटा सर ये जी किस किस फील्ड में अप्लीकेबल है सर ये जो जी है ये किस किस फील्ड में अप्लीकेबल है जो जो फील्ड भी तुम्हें समझ में आ रही है जो जो फील्ड भी तुम्हें समझ में आ रही है सब लिख दो तो एनवायरमेंट की फील्ड अरे भैया है तो ये डेटा और हर फील्ड के लिए डेटा तो रिक्वायर्ड है हर फील्ड के लिए तो जियोग्राफिकल डेटा तो रिक्वायर्ड होगा ही होगा तो इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट इन द फील्ड ऑफ एनवायरमेंट मल्टीपल एक्सप्लेनेशन आर देयर हम यहां पे मेन मेन बात कर लेते हैं जियोलॉजिकल की फील्ड में जियोलॉजी की फील्ड में एग्रीकल्चर की फील्ड में एग्रीकल्चर की फील्ड में क्रॉप ईल्ड क्या है इरीगेशन क्या है सॉयल मैनेजमेंट क्या है अर्बन प्लानिंग के लिए अर्बन प्लानिंग की बात करें तो नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट के लिए माउंटेन्स का डेटा वाटर रिसोर्स का डेटा ओशियन का डेटा कोस्टल जोन मैनेजमेंट और कॉरपोरेट केस स्टडीज बात करें अगर नेचुरल हजार्ड मैनेजमेंट अर्थक्वेक के लिए डेटा ड्रॉट के लिए डेटा फायर का डेटा यहां से एक सवाल आता है यहां से सवाल आता है ध्यान से सुनना जी इज यूजफुल जी इज यूजफुल जी इज हेल्पफुल इन द केस ऑफ प्रोडिक्शन ऑफ अर्थक्विक स्टेटमेंट सही है या गलत है जी आई एस इज यूजफुल और जी आई एस इज हेल्पफुल इन द केस ऑफ प्रोडिक्शन ऑफ अर्थक्विक अर्थक्विक को प्रिडिक्ट करने के लिए क्या जी आई एस हमारी मदद करता है स्टेटमेंट सही है या गलत है भैया यह स्टेटमेंट गलत है इसीलिए पूछा है यह स्टेटमेंट गलत है यह स्टेटमेंट गलत है जीआईएस का डेटा आपको अर्थक्विक प्रोडक्शन में कोई हेल्प नहीं करेगा जीआईएस के डेटा की हेल्प से आप अर्थक्विक प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे कोई तरीका है क्या अभी अर्थक्विक को प्रोडक्ट करने का आंसर इज नो लेकिन अगर इस तरीके के कुछ हजार होते हैं लाइक like अर्थक्वेक की वजह से जो तबाही मची सूखा पड़ गया आग लग गई इन सब इन सब के मैनेजमेंट के लिए हजार मैनेजमेंट के लिए जीआईएस का डेटा आप सभी के लिए यूजफुल होगा तो जीआईएस विल हेल्प यू इन द मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल हजार इनके प्रिडिक्शन में इसका कोई रोल नहीं है स्पेशली इन द केस ऑफ अर्थक्वेक स्पेशली इन द केस ऑफ अर्थक्वेक तो एक थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन यहां से आता है वो मैंने आपको बता दिया क्लियर है बोलो भाई तो सारी चीजें ध्यान से सुननी है थोड़ी सी भी जल्दी गड़बड़ फ्लड साइक्लोन्स लैंडस्लाइड सॉयल इरोजन वॉल्केनो इन सबके हजार मैनेजमेंट में जीआईएस आपके लिए यूजफुल होगा इन सब के मैनेजमेंट में हजार मैनेजमेंट में जीआईएस आपके लिए यूजफुल होने वाला है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम कितना अर्बन लैंड है कितना पॉप रूरल लैंड है यूटिलिटी पावर सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर ट्रांसपोर्ट सेक्टर सब जगह जीआईएस का यूज है सब जगह जीआईएस का यूज है सब जगह जीआईएस का यूज है समझ आया कुछ समझ आया कुछ बोलो भाई हुई कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप जीआईएस की कुछ बेसिक आइडिया लगा जीआईएस क्या होता है एग्जाम्पल याद रहेगा एग्जाम्पल याद रहेगा बोलिए एग्जाम्पल याद रहेगा आगे खेलें। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द रिमोट सेंसिंग तो ये रिमोट है देखो टीवी का रिमोट है अब यहीं से मन करेगा तो बैठे बैठे बंद कर देंगे बंद नहीं करेंगे फिर तुम्हारे कमेंट नहीं दिखेंगे यही काम अगर हमें रिमोट नहीं होता तो जाना पड़ता टीवी का जो स्विच है पावर स्विच है उसको बंद करना पड़ता ये और नो तो काम वही हो गया बैठे बैठे हो गया वहां गए भी नहीं तो सिमिलरली रिमोट सेंसिंग टेक्निक क्या होती है कि अभी भी ऑब्जेक्टिव वही हम डेटा ही कलेक्ट करना चाह रहे हैं क्या सर सर्वे को फर्स्ट टाइम फील किया है और रिलेट कर पा रहे हैं अच्छा आ? बहुत बढ़िया यार तो मेहनत जो की गई आपके लिए उसका आपको बेनिफिट मिला इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है हुँ? तुम्हारी ये बस यही दो चार बातें ना मोटिवेट कर देती बिल्कुल एनर्जी लेवल इंक्रीज कर देती मेरा थैंक यू फॉर योर लव सभी को हुँ? और ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो चलो तो रिमोट सेंसिंग का मतलब क्या है अभी भी हमारी बेसिक इच्छा है वही हम वी वॉन्ट टू कलेक्ट द डेटा वी वॉन्ट टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी पर्टिकुलर फीचर बट अब हमारी सोच थोड़ा बदल गई है विदाउट बींग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट हम उस ऑब्जेक्ट को जाकर वहां पर कोई मेजरमेंट परफॉर्म नहीं करने वाले हैं टच नहीं करने वाले हैं कोई फिजिकल कॉन्टेक्ट नहीं होगा और हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेंगे विदाउट बींग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट ऐसा कैसे सर ऐसा कैसे बेसिक बता दें बेसिक बता दें तो मान लो एक ग्राउंड है कहानी आओ फिर वही स्टोरी स्टोरी खेलते हैं एक स्टोरी और सुन लो तो आपके सब्जेक्ट की ये लास्ट स्टोरी है शायद ठीक है अब इस ग्राउंड में एक बिल्डिंग बनी हुई है इस ग्राउंड में ही एक पेड़ लगा हुआ है इस ब्राउंड, ग्राउंड में ही एक पॉन्ड है इस ग्राउंड में ही एक हिल है ये सब कुछ है चलो तो मैं नहीं लगता है जब इन पे सन की एनर्जी पड़ेगी इन सभी में Sun की एनर्जी पड़ेगी तो ये अपनी अपनी के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग इस एनर्जी का कुछ पार्ट कर लेंगे absorb. बोलो, और कुछ पार्ट वापस भेज देंगे हमारे किसी काम का नहीं है बोलो कुछ पार्ट एब्जॉर्व कर लेंगे और कुछ पार्ट क्या कर दे रहे करे, निकल जा हो गया ये जो एब्जॉर्ब होगा इमिशन होगा होगा तुम्हें नहीं लगता है ये हर ऑब्जेक्ट की अपनी करेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे होगा बेसिक गेम तो यही है हम बैठ के पता क्या करेंगे हम बैठ के केवल इस एनर्जी को खेलेंगे इस एनर्जी को एनालाइज करेंगे हम देखेंगे कि कितना अमाउंट आया कितना इन्होंने एब्जॉर्व कर लिया कितना उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया उसके बेसिस पे हम इस ऑब्जेक्ट की करेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे उसके बेसिस पे हम इस फीचर की डिटेल को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे दिस इज द बेसिक ऑफ द रिमोट सेंसिंग दिस इज द बेसिक ऑफ द रिमोट सेंसिंग आओ थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ लेते हैं तो टेक्निकली क्या है जैसे आपका ये फॉर एग्जाम्पल एक एग्रीकल्चरल फील्ड है या आपके ट्रीज हैं इन सब की जो करेक्टरिस्टिक्स होंगी इन सब का जो बिहेवियर होगा वो अलग अलग होगा सवाल जनरली जो आपको यहां से कन्वेंशनल में देखने को मिलेगा तो आप कोई भी कन्वेंशनल पेपर देंगे लाइक like ई का पेपर देंगे एस एस जेई का पेपर देंगे स्टेट ए का अगर कन्वेंशनल पेपर देंगे इंक्लूडिंग योर सेमेस्टर पेपर देंगे तो कुछ आए ना आए ये सवाल जरूर आएगा कुछ आए ना आए ये सवाल जरूर आएगा और जो लोग अपना सर्वेइंग का सेमेस्टर का पेपर दे चुके हैं वो इस बात को रिलेट भी कर पाएंगे कि उनके सेमेस्टर एग्जाम में भी ये सवाल आया था कि आइडियल रिमोट सिस्टम या रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता क्या है आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम या रिमोट सेंसिंग सिस्टम होता क्या है ये जरा समझ लेते हैं आया था ना हाँ हमारे टाइम पे भी आया था तब से लेके अब तक आ ही रहा है तो देखो आइडियल रिमोट सेंसिंग में हमारी क्या क्या जरूरतें सबसे पहले तो एक हमें यूनिफॉर्म एनर्जी का सोर्स चाहिए सबसे पहले तो हमें एक यूनिफॉर्म एनर्जी का सोर्स चाहिए यह एनर्जी ट्रांसमिट होगी थ्रू द एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए नॉन इंटरफेयरिंग एटमॉस्फेयर होना चाहिए देखो तो आइडिया का मतलब क्या है एग्जिस्ट नहीं करता है तो भैया ऐसा कैसा एटमॉस्फेयर होगा जो इंटरफेयर ही नहीं करेगा ये एनर्जी जो आपकी ट्रांसमिट हो रही यूनिफॉर्म सोर्स से वो होगी तो वाया एटमोस्फियर ही ना तो कुछ ना कुछ तो इंटरफेरेंस रहने ही वाला है लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं आइडियल रिमोट सेंसिंग सिस्टम की तो हमने बोला कि हमारा जो एनर्जी जो एटमोसफियर है वो नॉन इंटरफियरिंग होना चाहिए सीरीज ऑफ यूनिक एनर्जी मैटर इंट्रेक्शन विद द अर्थ सर्फेस जो आपके अर्थ सर्फेस थे उससे इस एनर्जी का इंटरेक्शन होना चाहिए उससे इस एनर्जी का इंट्रैक्शन होना चाहिए और हमें यहां पर चाहिए सुपर सेंसर जो जो रेडिएटेड एनर्जी है उसको ये एब्जोर्व करके उसके डेटा को कलेक्ट कर पाए तो रियल टाइम डेटा हैंडलिंग सिस्टम चाहिए और मल्टीपल डेटा यूजर्स चाहिए ये रिक्वायरमेंट है इसको और बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल ये देखो सन मान लो वी आर कंसिडरिंग द सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सभी ऑब्जेक्ट पे सन की एनर्जी आई इंसिडेंट हुआ सोलर रेडिएशन का दिख रहा है फॉरेस्ट वाटर ग्रास बेयर सॉयल पेव्ड रोड अप एरिया यस और नो सब ने कुछ पार्ट एब्जॉर्व कर लिया और बाकी क्या कर दिया रिफ्लेक्ट कर दिया जो रिफ्लेक्ट किया वो सैटेलाइट में लगा हुआ है सेंसर सैटेलाइट में लगा हुआ सेंसर उसने इस पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लिया उसने इस पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया कलेक्ट कर लिया और आप जहाँ बैठे हुए थे वहाँ इस पूरी इंफॉर्मेशन को क्या कर दिया ट्रांसमिट कर दिया भेज दिया तो ये मान लो तुम्हारा कंट्रोल स्टेशन था यहाँ पर पूरी इंफॉर्मेशन आ गई अब आप इसको प्रोसेस करिए अब आप प्रोसेस करिए तो जो डेटा आपको सेंसर ने भेजा है उसके बेसिस पे आप इन ऑब्जेक्ट्स की डिटेल को आइडेंटिफाई करिए ये है आपका रिमोट सेंसिंग सिस्टम तो कहीं पे क्या हमने किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल को कलेक्ट करने के लिए क्या हम लोगों ने फिजिकल कांटेक्ट किया फिजिकल मेजरमेंट्स किए आंसर इज नो आंसर इज नो तो यह बेसिक कंसेप्ट बेटा रिमोट सेंसिंग सिस्टम का पॉइंट इज क्लियर टू एवरी पॉइंट इज क्लियर टू एवरी अब यहां से जो तुम्हारे एग्जाम के लिए सवाल बनता है वो बनता है कि कितने तरीके के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं कितने तरीके के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं तो दो तरीके के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम और एक पैसिव एक रिमोट सेंसिंग सिस्टम एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम और पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम सर हमें इसको एक बार समझा दीजिए सर अगर हमें इसको एक बार समझा देंगे एक्टिव और पैसिव तो बहुत अच्छा रहेगा एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम और पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम का गेम क्या है सर एक बार बता दीजिए मोबाइल यूज करते हो स्टोरी चलो आओ स्टोरी स्टोरी खेलो तो मोबाइल यूज करते हो मान ले तुम्हारा मोबाइल है और ये तुम हो इस मोबाइल तो से तुम किसी एक ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ क्लिक करना चाह रहे हो ड्यूरिंग दिन के टाइम दिन के टाइम में फोटोग्राफ क्लिक करते समय तो एक लगता फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए रोशनी का प्रकाश का होना जरूरी है तो दिन के समय में सूरज की रोशनी है सन की अवेलेबिलिटी है तो देखा होगा आपने दिन के टाइम पे हम अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन नहीं करते हैं देखा है जो नेचुरल लाइट है उसी से हमारा काम चल जाता है और कैमरा हमारा इस डिटेल को कैप्चर कर लेता है विदाउट फ्लैश लाइट यस और नो विद्लैश लाइट इसी डिटेल को आप कलेक्ट करने जाइए इसी डिटेल को आप कलेक्ट करने जाइए और वही वाला कैमरा लेके जाइए लेकिन अब जाइए रात के समय में जब अंधकार है जब प्रकाश नहीं है अब क्या होगा तो मैं नहीं लगता इस डिटेल को कलेक्ट करने के लिए यहां की फोटोग्राफ के लिए आपको अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करना पड़ेगा बोलो हाँ या ना ड्यूरिंग द नाइट आवर्स जब आपकी नेचुरल लाइट अवेलेबिलिटी नहीं है इफ यू वॉन्ट टू कैप्चर द द डिटेल यू हैव टू ऑन फ्लैश ऑफ योर मोबाइल तो तुम्हारा ये जो मोबाइल है ना ये एक्चुअली एक्टिव और पैसिव दोनों कंडीशन में फोटोग्राफी कर सकता है जब इसने नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी को यूज किया तब इसकी एनर्जी को अपने फ्लैश लाइट को जब इसने ऑन नहीं किया क्या हम बोल सकते हैं उस समय ये पैसिव मोड में खेल रहा था उस समय ये पैसिव मोड में खेल रहा था खुद की एनर्जी को बचा के रखा उसकी उसका यूज नहीं किया जो नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी था उसी को यूज कर लिया यस और नो बट यहां पे सेकंड केस में डेटा को कलेक्ट करने के लिए इसे फ्लैश लाइट ऑन करनी पड़ रही है एक्टिव मोड में आना पड़ रहा है नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी की अवेलेबिलिटी नहीं है समझ गयो बस यही दो तरीके के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं यही दो तरीके के रिमोट सेंसिंग सिस्टम होते हैं देखो जरा सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी सन एज द सोर्स ऑफ एनर्जी पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम सेंसर जो आपने लगा रखे हैं इनके पास सेल्फ सोर्स ऑफ एनर्जी है सेल्फ सोर्स ऑफ एनर्जी ये यूज कर रहे हैं फॉर द कलेक्टिंग द डेटा फॉर द इंटायर प्रोसेस दिस इज द एक्टिव रिमोट सिस्टम दिस इज द एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम एक्टिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या है पैसिव रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या है बात सभी को समझ में आगेगी नहीं बात सभी को समझ में आगे की नहीं एवरी वन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स एवरी वन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरी वन बोलिए रिलेटेड टू द रिमोट सेंसिंग पर एप्लीकेशन अरे भैया सब सब कितनी बार बताएं हर फील्ड में रिमोट सेंसिंग के इंफॉर्मेशन की जरूरत है आपको रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन है दिस वॉज द बेसिक दिस वॉज द बेसिक दिस वॉज द बेसिक ऑफ द जीपीएस जी आई एस एंड रिमोट सेंसिंग सो एज पर योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू एज पर योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस वॉज द डिस्कशन रिलेटेड टू द जीपीएस जी आई एस

टेड अवर डिस्कशन फ्रॉम फंडामेंटल ऑफ सर्विंग देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लीनियर मेजरमेंट लीनियर मेजरमेंट की बात करी बेटा और आपने यहां पर बात करी चैन और टेप सर्वे की देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंपास सर्विइंग कंपास सर्वेंग में डिस्कशन कंप्लीट करने के बाद हम मूव कर गए थे ट्राइवर सर्वे में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्राइवर्स सर्विंग टाइवर सर्वेइंग के बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था दैट वाज रिलेटेड टू द लेवलिंग लेवलिंग में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लेन लेवलिंग प्लेन लेवलिंग की बात की वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द जियोडेटिक लेवलिंग तो कर्वेचर और रिफ्रैक्शन की भी बात करी थी देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंटूर्स कंटूर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्लेन टेबल सर्वे ये सब कुछ इसी कोर्स में कराया आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग के बारे में बातचीत की देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द थियोडोलाइट थियोडोलाइट की बेसिक वर्किंग और कंस्ट्रक्शन डिटेल के बारे में आपने देखा देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टैक्ोमेट्री सर्वे टैक्ोमेट्री सर्वे के बारे में डिस्कशन किया Then we have about the curves. Curves के बात की एरर्स एंड एक्यूरेसी एरर्स एंड एक्यूरेसी के बारे में बात की वी so, <coughs> है एंड वॉल्यूम वी हैउट कैलकुलेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम तो ट्रेपल मैथड मैथड के बारे में हम लोगों ने बातचीत की ठीक है जितना लिख दे रहा हूं उतना तो किया इसके अलावा कुछ और बताया होगा तो अच्छी बात है देन वी हैव अबाउट द फोटोग्रामेट्री सर्वे फोटोग्रामेट्री सर्वे के बारे में बात की देन वी हैव हैिमोट सेंसिंग बेसिक्स ऑफ जीपीएस जी आई एस एंड रिमोट सेंसिंग थोड़ी सी बातचीत हम लोगों ने करी थी ट्रैंगुलेशन के बारे में भी थोड़ी सी बातचीत हम लोगों ने करी है ट्रैंगुलेशन के बारे में भी इतना कुछ हम लोगों ने स्क्रैच कोर्स में कंप्लीट किया है और यह आपके गेट के सिलेबस का हंड्रेड परसेंट है यह आपके गेट के सिलेबस का हंड्रेड परसेंट है बेहतरीन जाके खेलो पता ही नहीं चला किया है कि नहीं किया दोस्त है क्लासेस

कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा सर्वेइंग जिन्होंने पहली बार सर्वेइंग को पढ़ा इस क्रैच कोर्स की हेल्प से कैसा लगा सर्वेइंग सब्जेक्ट थैंक यू बेटा मनीष थैंक यू थैंक यू तो नॉट इट्स योर टर्न मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो थी बेटा मेरा जो रोल था वो आपको इस क्रैस कोर्स की हेल्प से सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से बताने थे समझाने थे और आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट ठीक है नॉट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप इन सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से रिटेन करें ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा बार इन कंसेप्ट को रिवाइज करें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहें सो दैट एग्जाम तक जब आप जाए तो आपको ये सभी कंसेप्ट एज इट इज इसी तरीके से अच्छे से याद रहें और आप इनको अप्लाई कर पाए करवाएंगे करवाएंगे अक्सर घबरा क्यों रहो अभी कहाँ जा रहे हैं अभी हैं अभी कहीं नहीं जा रहे हैं अभी हम यहीं हैं यही है उसको लग रहा लग रहा सर अब सवाल नहीं करवाएंगे ओ भाई तो कुछ क्वेश्चंस थे फोटोग्रामेट्री से रिलेटेड जरा इनको सॉल्व करके देखते हैं सो ऑल दीज आर द क्वेश्चन दैट आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम योर गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू तो कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किए थे कल हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट किए थे फोटोग्रामेट्री के उनसे रिलेटेड किस तरीके के सवाल आपके एग्जाम में आते हैं उनको जरा क्विकली देख लेते हैं तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन एवरी वन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए एवरी वन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन Everyone try to solve this question. एवरी वन ट्राई टू सॉल्व आंसर आ रहा है नहीं आ रहा सब बात की बात है बट क्वेश्चन अगर आपको दिया गया टाइम आपको दिया गया दो मिनट का टाइम आपके पास इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए एवरी वन ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो राइ स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया जाए सी मुझे नहीं पता है बट आई कैन सी कि आंसर आ रहे हैं चलो सॉल्व कर लेते लेट सी द डिस्कशन आउ देखो सिंपल सवाल है कुछ है थोड़ा क्या बोला गया कह रहा है एक वर्टिकल फोटोग्राफ ली गई है एट एन एल्टीट्यूड ऑफ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर एवब द मीन सी लेवल ठीक है फ्लाइंग हाइट हो गई डिटरमाइन द स्केल ऑफ द फोटोग्राफ दो फील्ड के लिए दो टर्न के लिए आपको स्केल बताना है एक जब एलिवेशन 80 मीटर है और एक जब एलिवेशन 300 सौ मीटर बस यही करना था फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ द कैमरा इज गिवन एज 15 सेंटीमीटर लेट्स सी द सॉल्यूशन फॉर द पार्ट वन स्केल फॉर एलिवेशन 80 विल बी इक्वल टू एफ अपॉन एच माइनस एच एंड दैट विल बी इक्वल टू 15 सेंटीमीटर डिवाइड बाय कैपिटल एच है 1200 और 1200 है ना हाँ और ये दे रखा गया अस्सी ये आ जाएगा मीटर में वन इन एन के फॉर्म में स्केल नहीं निकाल पाओगे क्या क्या आर एफ के फॉर्म में स्केल बता पाओगे अरे नीचे मीटर है ऊपर सेंटीमीटर है वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर के फॉर्म में भी बता सकते हैं वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू वन कितने मीटर इस फॉर्म में बता सकते हैं या फिर आर एफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हो जाएगा स्केल निकालना है तीन सौ मीटर के एलिवेशन के लिए एफ अपॉन एच माइनस तीन सौ पंद्रह सेंटीमीटर डिवाइड बाई बारह सौ माइनस तीन सौ मीटर इसको भी निकाल लेना वन इन एन के फॉर्म में हो जाएगा एवरेज नहीं फाइंड करना एवरेज के लिए एवरेज बोलेगा एवरेज के लिए एवरेज बोलेगा बेटा इसी इसी सवाल से बता दूंगा अभी डोंट वरी तो ये था कंसेप्ट हो जाएगा इसी में अगर बोल देता फाइंड आउट द एवरेज स्केल फाइंड आउट द एवरेज स्केल फॉर 80 मीटर एंड 300 मीटर एलिवेशन तो दो पॉइंट है जिनका एलिवेशन दे रखा गया है तो एस एवरेज क्या हो जाता F अपॉन एच माइनस एच एवरेज एच एवरेज क्या हो जाता 80 प्लस थर्ट थ्री हंड्रेड बाई टू तो ये आ जाता S एवरेज विल be इक्वल टू 15 सेंटीमीटर डिवाइड by 1200 सौ माइनस अस्सी प्लस तीन बटे दो ये आ जाता इसको ये आ जाएगा मीटर में वन इन एन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दीजिएगा तो दैट इज गोइंग टू बी द एवरेज स्केल एवरेज स्केल पढ़ो ना सवाल क्या बोल रहा है स्केल ऑफ द फोटोग्राफ फॉर अगर एंड थ्री हंड्रेड मीटर दो अलग अलग लेवल की बात हो रही है दो अलग अलग टेरन की बात हो रही है जिसके लिए आपको स्केल डिफाइन करने थे फॉर एट्टी मीटर एंड थ्री हंड्रेड मीटर अगर बोलता दो पॉइंट है जिनका एलिवेशन 80 मीटर और 300 मीटर है तो फाइंड द एवरेज स्केल तो इन द क्वेश्चन दे विल प्रोवाइड यू द डिटेल कि कब आपको एवरेज स्केल निकालना है या कब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्केल निकालना है तो ये तो पॉइंट वाइज हो गया और ये कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया रिलेटेड टू द एवरेज स्केल ऑल्सो दिस इज द पॉइंट रिलेटेड टू द एवरेज स्केल हो जाएगा कैलकुलेशन बेटा आपको ही परफॉर्म करना है तो मैं केवल आपको हिंट करने वाला हूं मैं केवल आपको हेल्प करूंगा बट पूरा कैलकुलेशन आंसर आपको ही निकालना है हो जाएगा तो यूनिट से अच्छा है कि स्केल को आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लें। तो यूनिट का कोई इशू नहीं रहेगा क्लियर है तो जैसे भी आपसे आंसर पूछा जाए अगर आपको ऑप्शंस यूनिट्स के फॉर्म में गिवन है तो आप निकाल लेंगे अगर आपको ऑप्शंस आरएफ के फॉर्म में गिवन है तो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे जो भी मिलेगा यहां से सही मिलेगा अब क्या अब तो केवल कैलकुलेशन करना है अब तो केवल कैलकुलेशन करना है अब सारा सारा चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी है क्लियर है चलिए फिर एक सवाल और करिए चलो भाई सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन अप्लाई ऑल द बेसिक कंसेप्ट जो भी बेसिक कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़े हैं उन्हीं को अप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते उन्हीं को अप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं डू ट्राई सभी लोग ट्राई करेंगे हैव यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बेटा आंसर आया किसी का वेरी गुड तो आई थिंक योर आंसर इज करेक्ट जो कैपिटल एच आप निकाल लें दैट इज गोइंग टू बी टू 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 जीरो जीरो मीटर आई थिंक द आंसर इज करेक्ट ऐसे सवाल आपको गेट में देखने को मिलते हैं दो नंबर में दीज टाइप ऑफ द क्वेश्चन यू विल गेट इन योर गेट एग्जाम इन टू मार्क्सुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेन बेटा आई थिंक दिस आंसर इज करेक्ट एक दो लोग और आंसर निकाल लें तो कन्फर्म हो जाएगा सही आ रहा है या नहीं चलो जाए, देखा जाए सॉल्यूशन, देखा जाए सॉल्यूशन, डिस्कस किया जाए बोलो बेटा सोल्यूशन पार्ट लेट्स क्या कंसेप्ट है जिम्मेदारी आपकी है बाकी समझा सब मैं दूंगा देखो बोला अ सेक्शन लाइन एवी अपियस टू बी टेन पॉइंट वन सिक्स सेंटीमीटर ऑन अ फोटोग्राफ तो एक लाइन ए बी है जिसकी फोटोग्राफ डिस्टेंस जो है जिसकी फोटोग्राफ डिस्टेंस दे रखी गई है टेन पॉइंट वन सिक्स सेंटीमीटर यह फोटोग्राफ जो आपने क्लिक की है इसका फोकल लेंथ जो है वो सोलह सेंटीमीटर का है एंड करस्पॉन्डिंग टू द लाइन मेजर सेम लाइन को जब आप मेजर कर रहे हैं कहां पर मैप में सेम लाइन बी को जब आप मैप में मेजर कर रहे हैं तो ये लाइन आपको मिल रही है टू पॉइंट फाइव फोर सेंटीमीटर की अरे भैया जरूरी है क्या कि मैप और फोटोग्राफ एक ही स्केल पे हो ऐसा तो नहीं है ना मैप का स्केल अलग था फोटोग्राफ का स्केल अलग था तो एबी लाइन की जो डिस्टेंस फोटोग्राफ में मिल रही है वो टेन पॉइंट वन सिक्स सेंटीमीटर है मैप में जो डिस्टेंस मिल रही है उसी लाइन ए बी की वो टू पॉइंट फाइव फोर मीटर है कोई दिक्कत नहीं है ऑन अ मैप विच इज टू अ स्केल ऑफ मैप का शायद इन्होंने स्केल भी दे रखा गया है तो आर के फॉर्म में दिया है मैप का स्केल है द टरेन हैज एन एवरेज एलिवेशन ऑफ मीटर जो फील्ड लाइन जहां पर लाई कर रही ए बी उसका एवरेज एलिवेशन दे रखा गया आपको दो सौ मीटर कैलकुलेट द फ्लाइंग एल्टीट्यूड ऑफ द एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट का एल्टीट्यूड क्या होगा जिस समय आपने ये फोटोग्राफ क्लिक करी है जिस समय आपने ये फोटोग्राफ क्लिक करी है ठीक है तो अगर मुझे पता चल जाए स्केल ऑफ़ फोटोग्राफ जो है, दैट विल बी टू एफ अपॉन एच माइनस स्मॉल एच बोलो अगर मुझे फोटोग्राफ का स्केल पता है अगर मुझे फोटोग्राफ का पॉइंट लेवल एवी लाइन का एवरेज एलिवेशन पता है फोकल लेंथ पता है तो ये कैपिटल एच निकाला जा सकता है प्रॉब्लम क्या है स्केल फोटोग्राफ का नहीं पता है स्केल फोटोग्राफ का नहीं पता है क्या करा जाए बोलो भाई अरे भैया तो आपको नहीं लगता कि हम फोटो डिस्टेंस फोटोग्राफ के मैप को और इस, इस मैप फोटोग्राफ के स्केल को और मैप के स्केल को रिलेट कर सकते हैं देखो कैसे तो फोटो का स्केल क्या होगा इट इज गोइंग टू बी फोटो डिस्टेंस इट इज गोइंग टू बी फोटो डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस बोलो हा मैप का स्केल क्या होता था मैप का स्केल होता था मैप डिस्टेंस मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस मैप डिस्टेंस अपॉन ग्राउंड डिस्टेंस या ना बोलो बोलो अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो तुम्हें नहीं लगता ये आ जाएगा कि फोटोग्राफ का जो स्केल होगा डिवाइड बाई मैप का जो स्केल होगा दैट विल बी इक्वल टू फोटो की डिस्टेंस डिवाइड बाई द मैप की डिस्टेंस डिवाइड बाई द मैप की डिस्टेंस कैन आई से लाइक दिस यस और नो तो फोटो डिस्टेंस गिवन है मैप डिस्टेंस गिवन है मैप का स्केल भी गिवन है फोटो का स्केल एज्यूम कर लो वन बाई एन फोटो का स्केल आर के टर्म पे एज्यूम कर लो यहां से फोटो का स्केल कैलकुलेट कर लो फोटो का स्केल यहां पर पुट करो फोकल लेंथ पता है एवरेज एलिवेशन पता है कैपिटल एच निकाल लो अप्रोच क्लियर हुई कि नहीं अप्रोच क्लियर हुई कि नहीं बस ये बता दो मुझे अप्रोच क्लियर हुई कि नहीं बस ये बता दो मुझे. आंसर आ जाएगा तो ट्राई टू फाइंड आउट द एवरे फोटो स्केल ट्राई टू फाइंड आउट द फोटो स्केल और उसके लिए आप इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं यू कैन रिलेट द फोटो स्केल एंड मैप स्केल यू कैन रिलेट द फोटो स्केल एंड मैप स्केल ऑल अदर पैरामीटर्स आर गिवन जिसकी हेल्प से इस फोटोग्राफ का फ्लाइंग हाइट फ्लाइंग एल्टीट्यूड आप कैलकुलेट कर पाएंगे हो जाएगा क्या इस तरीके से इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यस और नो बोलो बेटा कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ दिस अप्रोच यस और नो प्लीज एक बार कंफर्म कर देंगे सभी लोग चैट बॉक्स में न प्रोसीड फर्दर सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर हो जाएगा नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दर्ड क्वेश्चन ये टॉपिक भी कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था यह टॉपिक भी कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था कि विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स हाउ वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स लाइंग ऑन द ग्राउंड लाइंग ऑन द ग्राउंड डोंट वरी आई विल प्रोवाइड यू द एक्सप्लेनेशन ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन और भैया जहां तक करा रहा हूं इतना ही करके छोड़ मत देना यहां सर बस हो जाएगा ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर ऑल द क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं इनका फाइनल आंसर जरूर निकालिएगा तो आज आपका एट थर्टी पे एक सेशन है पता है सभी को इसी चैनल पर 8:30 थर्टी पीएम पे मिलने वाले हैं आज हम लोग सभी लोग तो आज आपकी पूरी सिविल इंजीनियरिंग के सभी टीचर्स लोग सभी पूरी टीम के साथ आपका इंटरेक्शन होगा जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत होने वाली है आप सभी के लिए गेट 2023 ट्वेंटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट दैट सेशन सो वी आर गोइंग टू कनेक्ट लाइव एट एट थर्टी तो सभी लोग सभी अपने टीचर्स से मिल पाएंगे जहां पर गेट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के लिए इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं तो डू ज्वाइन द सेशन एट एट थर्टी पी एम दिस क्लास ठीक है भाई तो पढ़ाई की तो बातें हो गई सर अब कुछ स्ट्रेटजी, कुछ अप्रोच की भी बात कर लेते हैं तो सिर्फ मैं नहीं पूरी टीम आपके साथ रहेंगे सभी लोग आपको मिलेंगे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं आपके जो भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं उनको डिस्कस कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपके लिए जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 8:30 थर्टी पीएम पे ठीक है भाई चलो देखा जाए भाई क्या अप्रोच है इसकी देखा जाए बोलो भाई आंसर आएगा किसी का आंसर आ गया हो तो बता दो इफ यू गॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन तो बता दो सिक्सटी किलोमीटर आंसर आ रहा है इतना तो नहीं आएगा और देखो अच्छा एक बार अप्रोच देखो लेट सी द सॉल्यूशन पार्ट लेट सी द सॉल्यूशन पार्ट लेट सी द सॉल्यूशन पार्ट क्या बोला गया समझ लेते हैं कह रहा टू पॉइंट्स ए एंड बी हैविंग द एलिवेशन एच ए दे रखा गया 500 मीटर एच बी दे रखा गया 300 मीटर ठीक है कह रहा है एक वर्टिकल फोटोग्राफ में है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर है जिसकी फोकल लेंथ जो है वो ट्वेंटी सेंटीमीटर है फ्लाइंग एल्टीट्यूड जो है वो पच्चीस सौ मीटर है फ्लाइंग एल्टीट्यूड जो है वो पच्चीस सौ मीटर है अब द डेटम और मीन सी लेवल कह रहा दियर करेक्टेड फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स आर गिवन तो एक करस्पॉन्डिंग जो स्मॉल ए पॉइंट है फोटोग्राफ में बी के करस्पॉन्डिंग जो स्मॉल बी पॉइंट है फोटोग्राफ में उसके फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे गए उसके फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे गए तो ये दे रखा गया आपका एक्स ए ये दे रखा गया आपका वाई ए ये दे रखा गया एक्स बी और ये दे रखा गया आपको वाई बी दीज आर द वैल्यू दैट दे है तो पूछा गया ग्राउंड के जो पॉइंट ए बी हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी तो अंडर रूड एक्स ए माइनस एक्स बी एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर प्लस वाई ए माइनस वाई बी का होल स्क्वायर ये डिस्टेंस होगी yes no? ये और नो ये डिस्टेंस होगी तो मेन जो काम आपको करना था बेटा मेन जो काम आपको करना था वो यहां पर फाइंड आउट करना था ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स, ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने थे फॉर पॉइंट ए एंड बी चलो तो अगर एक्स ए की बात करें तो फॉर्मूला कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या था एच माइनस एच ए अपॉन एफ इंटू स्मॉल एक्स से एक्स वाई ए की अगर बात करें तो एच माइनस एच ए डिवाइड बाई एफ इंटू स्मॉल वाई ए एक्स बी की अगर बात करें तो एच माइनस एच बी अपॉन स्मॉल इंटू स्मॉल एक्स बी और कैपिटल वाई बी की अगर बात करें तो एच माइनस एच बी अपॉन एफ दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल वाई बी डिस्कस किए थे कि नहीं किए थे तब तो पता है A का एलिवेशन फ्लाइंग हाइट है पच्चीस सौ ए का एलिवेशन है पाँच सौ ये हो गया मीटर में 2500, 500 और 20 सेंटीमीटर दे रखा गया है 20 सेंटीमीटर एक्स ए दे रखा गया है टेबल में प्लस का 2.65, प्लस का 2.65 सेंटीमीटर सेंटीमीटर से सेंटीमीटर ख़त्म यहाँ से एक्स ए मिल जाएगा आपको मीटर में यहाँ से एक्स ए मिल जाएगा आपको मीटर में सिमिलरली बेटा अगर बात करें तो यह हो जाएगा टू फाइव जीरो जीरो माइनस फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटू वाई ए वाई ए दे रखा गया प्लस का वन पॉइंट थ्री सिक्स प्लस का वन पॉइंट थ्री सिक्स अगेन वैल्यू यू विल गेट इन मीटर ठीक है सिमिलरली अगर बात करें तो दिस इज गोइंग टू बी टू फाइव जीरो जीरो माइनस थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी सेंटीमीटर इंटू एक्स बी माइनस का वन पॉइंट नाइन टू माइनस का वन पॉइंट नाइन टू ये वैल्यू मिल जाएगी आपको मीटर में ये वैल्यू यू विल गेट इन मीटर सिमिलरली अगर कैपिटल वाई भी की बात करें तो टू फाइव जीरो जीरो माइनस थ्री हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाई दे रखा गया प्लस का थ्री पॉइंट सो ये देट वैल्यू यू विल गेट इन मीटर चारों ग्राउंड के कॉर्डिनेट पता चल गए एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई ए एक्स बी वाई बी सभी वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे इजीली निकाल लेंगे डिस्टेंस ए बी नो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी नो वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ए बी तो दिस वाज़ द अप्रोच कैसे ग्राउंड कोऑर्डिनेट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोग्राफिक कोऑर्डिनेट्स दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरी वन और अगर आपको ग्राउंड कॉर्डिनेट्स पता है यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट विद द हेल्प ऑफ दिस परफॉर्म द कैल्कुलशन पार्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन परफॉर्म द कैलकुलेसन पार्ट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा बोलो भाई हो जाएगा बोलिए कंफर्म इन द चैट बॉक्स सॉल्व कर लेंगे सभी लोग. <coughs> कर लेंगे सभी लोग यस और नो तो एक क्वेश्चन और देखते हैं जो टॉपिक बहुत आता है हमारा एग्जाम में दैट इज कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड तो यहां पर मैंने केस एक ऐसा डिस्कस किया है जहां पर आपको जो एरिया दिया गया है वो डायमेंशन के फॉर्म में दिया गया है क्योंकि एक तो जनरल केस था कि अगर आपको टोटल एरिया पता है तो टोटल एरिया डिवाइड बाई एरिया कवर्ड बाई सिंगल फोटोग्राफ हम निकाल सकते हैं तो स्ट्रिप अप्रोच को डिस्कस करने के लिए आई हैव कंसिडर्ड दिस क्वेश्चन चलिए तो टेक योर टू मिनट टाइम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन डिस्कशन फॉर दिस क्वेश्चन तो क्या अप्रोच होने वाली है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो भी डिस्कस कर लेंगे वेरी गुड तो आई कैन सी द आंसर इन द चैट बॉक्स वेरी गुड एवरी वन ट्राई टू सॉल्व बेटा एवरी वन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन चलो तो सुड स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन सुड आई स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन वेरी गुड तो आई कैन सी द आंसर चलिए समझ लेते क्या अप्रोच होगी क्या बोला गया कह रहा है कि स्केल क्या है द स्केल ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ स्केल दे रखा गया वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू हंड्रेड मीटर बहुत अच्छी बात है बोल था फोटोग्राफ इज एल दे रखा गया ट्वेंटी सेंटीमीटर स्मॉल डब्लू दे रखा गया आपको ट्वेंटी सेंटीमीटर ये फोटोग्राफ की डायमेंशन है टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स आपको बतानी है एरिया का जो एल दे रखा गया है वो टेन किलोमीटर दे रखा गया है और कैपिटल डब्ल्यू भी दे रखा गया आपको टेन किलोमीटर और लॉन्गिट्यूडनल परसेंटेज लैब है सिक्सटी परसेंट तो ये हो गया जीरो पॉइंट सिक्स और साइड लैब दे रखा गया थर्टी परसेंट तो हो गया ये जीरो पॉइंट थ्री दिस इज द डेटा दैट दे हैव प्रोवाइडेड एल और डब्ल्यू के फॉर्म में दिया गया है तो यहां पर हम लोग अप्रोच लगाएंगे स्ट्रिप अप्रोच तो यहां पर क्या दिए? अच्छा सेम ही है तो कैपिटल एल भी दस किलोमीटर है और कैपिटल डब्ल्यू भी दस किलोमीटर है ठीक है तो हम कैलकुलेट कर लें इस पूरे एरिया को कैलकुलेट को कवर करने के लिए तो एन इज गोइंग टू बी एन वन इन टू एन टू एन वन क्या है नंबर ऑफ स्ट्रिप्स रिक्वायर्ड या फ्लाइट लाइंस रिक्वायर्ड टू कवर द एरिया क्या लिख सकते हैं इसको हम एल अपॉन एलवन प्लस वन सॉरी स्ट्रिप्स डब्लू तो टोटल विर्थ अपॉन डब्लू वन प्लस वन यस और नो सिमिलरली एन टू क्या है नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड इन ईच स्ट्रिप इन ईच स्ट्रिप दिस इज गोइंग टू बी कैपिटल एल अपॉन एलवन प्लस एवन यो टोटल फोटोग्राफ कितनी रिक्वायर्ड है तो कैपिटल एल अपॉन एलवन कितनी एक डिस्टेंस आप कर, कवर करेंगे करस्पॉन्डिंग टू स्मॉल एल तो अगर हम ये निकाल लें तो टोटल फोटोग्राफ जो हो जाएंगी एन विल बी इक्वल टू एन वन इंटू एन टू हो जाएंगी बोलो भाई तो मुद्दा ये है कि सर ये एल वन और डब्लू वन कैसे निकलेगा अरे तो डब्लू वन क्या था वन माइनस डब्लू वन की बात हो रही साइड लैब साइड लैब इंटू स्केल इंटू डब्लू एल वन कैसे मिलेगा वन माइनस लॉन्गिट्यूडनल लैब इंटू स्केल इंटू एल बोलिए भाई तो अब क्या बचा उट द आंसर फाइंड आउट द आंसर फाइंड आउट दैल्यू एल वन फाइंड आउट दैल्यू ऑफ डब्लू वन उसकी हेल्प से आप एन वन और एन टू निकाल पाएंगे टोटल नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स रिक्वायर्ड अब देखो एक बात यहाँ पे ध्यान रखना फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको सोल्व करते हैं फॉर एग्जाम्पल जब आप इसको सोल्व करते हैं तो स्टिप्स निकल के आती है एट पॉइंट नाइन सिक्स तो भैया अब 8.96 पॉइंट स्ट्रिप कैसे लें तो हमें अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा या तो हम आठ स्ट्रिप ले सकते हैं या तो हम नौ स्ट्रिप ले सकते हैं तो इसको हम लोग नौ ले लेंगे सिमिलरली आपने बोला कि सर यहाँ पर नंबर ऑफ फोटोग्राफ जो निकलवा निकल रही है वो 13.6 निकल रही है एक स्ट्रिप में ये एग्जाम्पल है याद मत कर लेना ये एग्जाम्पल है कि आपने एन टू की वैल्यू कैलकुलेट करी और थर्टीन पॉइंट सिक्स आ रही है तो पॉइंट सिक्स फोटोग्राफ कैसे लें या तो तेरा फोटोग्राफ लेंगे एक स्ट्रिप में या तो चौदह फोटोग्राफ लेंगे तो हम क्या कर देते हैं इसको इसको हम कंसीडर कर लेंगे फोर्टीन तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ठीक है तो ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्टली लेके बैठे इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन सभी लोग कंफर्म कर दो हो जाएगा ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द फोटोग्रामेट्री इज क्लियर फ्रॉम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं ये पॉइंट सभी को क्लियर है यस और नो प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स सो दिस वॉज द डिस्कशन फॉर अवर क्रैश कोर्स ऑफ द सर्वेइंग मिलते हैं जल्दी किसी अगले कोर्स के साथ अभी हम लोग बहुत सारी चीजें आप लोग के लिए नई चीजें प्लान करके ला रहे हैं जिनकी डिटेल आपको बताई जाएगी आज 8:30 थर्टी पी में तो डू ज्वाइन द सेशन जहां पर आपके सभी सिविल इंजीनियरिंग के टीचर्स आपको एक साथ मिलने वाले हैं आप उनसे इंटरेक्शन कर सकते हैं सो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर द दिस क्रैश कोर्स ऑफ द सर्वइंग कीप रिवाइजिंग योर कंसेप्ट कीप प्रैक्टिसिंग योर कंसेप्ट और जितने भी कंसेप्ट आपने पढ़े हैं इनको अच्छे से रिटेन करके एग्जाम में परफॉर्म करिए बेस्ट ऑफ लक बेस्ट विशेस थैंक यू एवरी वन कीप लर्निंग